हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओडिशा फास्ट न्यूज आपन को प्रिय यूट्यूब चैनल ले स्वागत। दर्शक बंधु, आज 24 फरवरी 2023 शुक्रवार आपनको पई ओडिशा तथा देश विदेश रो बहुगुडी सकाळर मुख्य खबर नै आसे। संपूर्ण खबर जानिबो वीडियो टिकु शेष जाय देखंतु आ चैनल ले नुवा थिले सब्सक्राइब करि नियंतु। दर्शक बंधु, संपूर्ण मुख्य खबर आसंत वीडियो माध्यम नजर पकाइबा। पीएम किसान किस्ती पूर्वरु कृषि मंत्री को बड घोषणा सुनिले आपन मध्य खुशी हिजिबे। पीएम किसान सामान निधि रो 13 तम किस्ती पई अपेक्षा शेष हबाकु जाउछि। फरवरी 24 रे डीबीटी माध्यम रे सरकार एही किस्ती कृषकक अकाउंट को स्थानांतरित करिवो बोली आशा करा जाउछि। किंतु एही किस्ती पई टंका पाइबा पूर्व केन्द्र कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर एभली सूचना करिछन्ती, जहां कृषक माने निश्चित खुशी हेबे। अर्थनैतिक अभिवृद्धि को त्वरान्वित करिबा उद्यान कृषि क्षेत्र विवेचना करा जाय बोली कृषि मंत्री तोमर कहिछन्ती। एही क्षेत्र धीरे धीरे बिहन कारबार मूल्य जोग एवं रप्तानी सहित जड़ित एक संगठित शिल्पर परिणत होउछि। बेंगालुरु रो 4 दिन जातीय उद्यान कृषि मेला अनलाइन ले उद्घाटन करि तोमर कहिछन्ती जे कृषकक आय को द्विगुणित करिबा तथा पुष्टिकर खाद्य जोगाइबारे उद्यान कृषि क्षेत्र प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाय। तोमर कहिछन्ती उत्पादन द्रुत वृद्धि एवं उद्यान कृषि फसल उपलब्धता देशर पुष्टिकर सुरक्षा मध्यरे व्यवधान दूर करिबार सहायक करे। पुणि विज्ञप्ति जारी कला सीबीएसई बोर्ड, एथर 10म-12 श्रेणी छात्र छात्री को देला चेतावनी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परीक्षा मध्य पुणि थे एक गुरुत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी कर सीबीएसई बोर्ड 10म श्रेणी और 12म श्रेणी छात्र छात्री विज्ञप्ति जारी कर बोर्ड परीक्षा आसुवा छात्र छात्री चेतावनी सीबीएसई एक सरकारी विज्ञप्ति जारी कर बास्तव में 10म और 12म बोर्ड परीक्षा सांपल पेपर डाउनलोड करने को टंका मांगुवा एक नकली वेबसाइट लिंक विषय में बोर्ड छात्र छटा अन्य हिताधिकारी मानक चेतावनी देती। सीबीएसई 10म-12 बोर्ड परीक्षा फरवरी 15 तारीख आरंभ हो। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा समग्र देश में 7250 रु अधिक परीक्षा केन्द्र और विदेश में 26 देश में अनुष्ठित हो। राज्य गठन हो 1200 नुआ पीएसीएस कार्यक्रम हो। राज्य समस्त माइक्रो एटीएम राज्य कृषि और कृषकों उन्नति पर राज्य सरकार सर्वदा प्रयासरत रही। चाष कार्य ऋण दे सब गुरुत्वपूर्ण अंश। कृषकों सुविधा पर राज्य सरकार 1 लाख टंका पर्यंत ऋण बिना सुधरे जगह सुधहीन ऋण सुविधा कृषि विकास में सहायक हो। राज्यस्तरीय समवायिक बैंकिंग सेवा और ऋण कर्मशाला उद्घाटन उत्सव में वीडियो वार्ता प्रदान कर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। यह उत्सव में सम्मानित अतिथि भाव जगदे उन्नयन और कृषि उत्पादन कमिशनर प्रदीप जेना से कही कृषि ऋण 75% समवाय बैंक मैंने जगह राज्य को कृषि क्षेत्र में आगक ना क्षेत्र में बैंक मैंने जत्नवान होगा जरूरी। से समय विभाग प्रमुख सचिव कहते चाषी मैंने साहूकार ऋण न नहीं समवाय ऋण नेटवर्क को आसपा पड़ो। राज्य समस्त माइक्रो एटीएम को कार्यक्रम कर आसंत नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। 4 नुआ जिला पई मिलिछि दाबी, मंत्री कहिले विचार करे ठीक समय रे निष्पत्ति नेबु। वर्षे भीतर पद्मपुर हेबो जिला। पद्मपुर को एभली घोषणा करथिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। पद्मपुर भली राज्य केतोटी नुआ जिला पई दाबी मिलिछि और राज्य सरकार नुआ राजस्व जिला पई किछि विचार करुछन्ति कि यदि विचार करुथान्ति तबे केउ सीमा मध्यरे नुआ राजस्व जिला घोषणा हेबो। कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा एने विधानसभा प्रश्न करते जार उत्तर रखिंट राजस्व मंत्री प्रमीला मल्लिक। विधानसभा लिखित उत्तर रखी प्रमीला कहते राज्य नूतन राजस्व जिला संगठन विभिन्न समय दावीपत्र हस्तगत हो। बलांगीर जिलार कंटावांची, टिटलागड़, बरगढ़ जिलार पद्मपुर, कलाहांडी जिलार धर्मगढ़ को नुआ राजस्व जिला दावी करने को नहीं राजस्व विभाग हस्तगत हो। नुआ भाइरस को नहीं चिंतार राज्य व्यापार लगी संक्रमण जानतु लक्षण। परिवर्तित मौसुमी जगू लोक नाना रोग शिकार होती। कोरोना भाइरस द्वारा सारा विश्व को कबलित करने एवं एक नुआ दाउ रक्षा पाई देशवासी। किंतु सेपटे किसी नुआ भाइरस को नहीं भय देखा मिली। गत किसी दिन में पश्चिमबंग को एडिनो भाइरस संक्रमण चिंता घारी। वर्धित संक्रमण और पिला अवस्था को देखी एवं से भाइरस प्रति प्रशासन आलर्ट हो सारी। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इन्फेक्शन अनुसार एडिनो भाइरस मुख्यतः श्वासजनित थंडा किंवा फ्लू आदि रोग यह भाइरस संक्रमण कारण पलटि था। तेज एडिनो भाइरस संक्रमित मानक देह में मुख्यतः ज्वर एवं थंडा जनित रोग लक्षण देखा जाए थे। ओडिशा अर्थनैतिक सर्वे साधारण लोकों जीवन में प्रतिफलित होना उच्च आर्थिक अभिवृद्धि। राज्य में मुंड पिछाया जातीय हार ठू कम 2022-23 आर्थिक वर्ष अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट गुरुवार दिन विधानसभा आगत हो। यह आर्थिक वर्ष राज्य अर्थनैतिक अभिवृद्धि हार 7.8% रही आकलन कर 2021-22
11.5% थिला सेहीपरि नुआ आर्थिक वर्ष अर्थात 2023-24 ओडिसार अर्थनैतिक अभिवृद्धि हार 8-8.5% मध्ये रहिबो बोली अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्टर आकलन करा जायछि। ओडिसार अर्थनैतिक अभिवृद्धि जातीय हारठारु अधिक थिले बि सामग्रिक विकास क्षेत्ररे ताहा प्रतिफलित होइ पारु नै। ओडिसार मुंडपिछा आयकु देखिले ताहा जणा पडुछि। 2022-23 ओडिसार मुंडपिछा आय 150,667 टंका रहिबा आकलन करा जायछि, जहाकि जातीय हार 170,620 टंका ठारु कम। तबे 2011-12 तुलनारे राज्यर मुंडपिछा आय 10.9% वृद्धि पाइछि। पूरी सुआंडर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गोपबंधु प्रतिमूर्तिर कले लोकार्पण। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भुवनेश्वर हेलिकप्टर जगे प्रथमे सुआंडर निर्मित अस्थायी हेलिकप्टर में पहुंचे नवीन पटनायक सेठारु प्रथमे गांव मुंडरे थिबा शिव मंदिर को जाई पूजा अर्चना करिछंती। एहापर उत्कलमणिक जन्मस्थान को जाई थिले, सेठारु गोपबंधु दासंक सठी घर बुली देखिछंती। एहापर नूतन भावर स्थापन होइथिबा पंडित गोपबंधु दासंक पुण्यवैभव प्रतिमूर्ति को उन्मोचन करिछंती। परे नवनिर्मित म्यूजियम लोकार्पण करिथिले। नुआ रूपरे झलसुछि उत्कलमणि गोपबंधु दासंक जन्मपीठ सुआंड। जराजीर्ण अवस्थारे रहिथिबा पीठ एबे पालटिछि जीवन्यास। सुआंड को हेरिटेज भिजल ओ पर्यटन स्थली करिबा पई विकसित करा जायछि। एथिपई खर्च होइछि 25 कोटी टंका। उत्कलमणि 15 फुट उच्चता विशिष्ट पुण्यवय एवं प्रतिमूर्ति स्थापन करा जायछि। भूमिकम्परे थरिला गुजरात लोके आतंकित। गुजरातर अमरेली जिले में भूमिकम्पर झटका अनुभूत होइछि। गुरुवार सकाळ 9:06 3.1 तीव्रतार भूमिकम्प अनुभूत होइथिला। तुर्की एवं सीरिया खबर भितर एभली थिबारु लोके आतंकित होइ जाइछन्ति। सूचना योग्य फेब्रुवारी 4 तारिख में अमरेली जिले में 3.2 तीव्रतार भूमिकम्प अनुभूत होइथिला। तबे आश्वस्तिर विषय होउछि भूकंप जोगु कोनोसी धनजीवन क्षयक्षति होइनाहि। इंस्टिट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च पक्षरु कुहा जाइछि जे सकाळ 7:51 एही भूकंप अनुभूत होइथिला एवं एहार केन्द्रस्थल अमरेली सहर ठारु 43 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिगरे 3.2 किलोमीटर गभीरतारे थिला। शेयर मूल्य ह्रासर आदानी ग्रुप हाथ खसला आउ एक बड़ डिल। भारतीय उद्योगपति गौतम आदानी समस्या कम होबार ना नेउनी। गत जानुरी 24 तारिख दिन आमेरिका रिसर्च फार्म हिंडेनबर्ग रिपोर्ट प्रकाश पाइला। सेबेठारु आदानी समूह लगातार क्षतिर सम्मुखीन होउछि। कथा केवल एतिकी अटकि जाय नै, आदानी एक व्यावसायिक सम्मुख होइथिबा बेले हाथ गोटिक पर गोटे डिल खसबार लगी। परिस्थिति एपरी होइछि जे मासक मध्य गौतम आदानी प्रथम बिलियनेयर सूचीर 2-4 पुणी 10 परे पुणी 20 स्तर को खसिबा परे निकटरे सूचीर 25 एवं 26तम स्थान को खसी आसछन्ती। तांको मोट संपत्तिर परिमाण 42.7 बिलियन डॉलर को ह्रास होइछि। तबे आजिठु ठीक मासे पूर्वरु गौतम आदानी ब्लमबर्ग बिलियनियर सूचीर चतुर्थ स्थान रे थिले। ब्लमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स अनुसार गौतम आदानी 22 फेब्रुआरी बुधवार पुणी एक जोरदार झटका लगी, फलरे तांको मोट संपत्तिर पुणी 6 बिलियन डॉलर अधिक मूल्य संपत्ति हराई बसछन्ती। कोरोनार ककुआ भय। पुआ सह निजकु 3 वर्ष घर भितर बंद रखिथिले महिला। घरर फाटक भंगा जाई उद्धार करागला। कोरोना भयर 3 वर्ष हला घर भितर पुआ सह निजकु बंद कर रखिथिले महिला। एपरके ना निजे घर बाहर को जाउथिले ना पुआ को छाडुथिले। खाली सेतिकि नुहे, घर भितर चुट्टी कटिबा सह ओलिया सबु घरे ही रखिथिले महिला जनक। सबुठार बड कथा, महिला जनक 3 वर्ष हला स्वामीकु मध्य घर भितर प्रवेश पई अनुमति देउ नथिले। एहा सुनिला परे आश्चर्य लागुथिले मध्य एबोलिया को घटना एबे सामना को आसीछि। गुरुग्रामर चकरपुर अंचल रे घटना सामना को आसीबा परे एबे चांचल्य सृष्टि होइछि। घटना संपर्क रे महिला का स्वामी सुजन माझी पुलिस को जणाइबा सह स्त्री और पुओ को उद्धार पई अनुरोध करथिले। शेषे पुलिस घटनास्थल में पहुंची मां पुओं को उद्धार करथिला। ग्राहकों पर खुशी खबर, सस्ता है सुना दर। ग्राहकों पर आसला खुशी खबर, सस्ता है सुना दर। आज 2700 टंका सस्ता होइछि सुना। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज रे सुना मूल्य प्राय 56,000 कारबार होउछि। एही समय रूपा मूल्य रे मध्ये परिवर्तन होइछि। आज रूपा 65,800 रे कारबार होउछि। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज रे सुना मूल्य 0.09% ह्रास सहित 10 ग्राम प्रति 56,120 टंका रे कारबार होउछि। एथि सहित कारबार रे सुना 10 ग्राम पिछा 56,471 टंका रे बंद होइथिला। एहा व्यतीत रूपा मूल्य विषय रे कहिबाक गले 0.28% अर्थात 230 टंका ह्रास पाई किलोग्राम पिछा 65,866 टंकारे कारबार होउछि। देशरे बढ़िला पेट्रोल और डीजल दर, नजर पंका आज केते अछि रेट। कंपनी पक्षरु आज पेट्रोल
ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 3.47 ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 95.03 ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 96.72 ଓ ଡିଜେଲ ଦର 99.62 ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 106.31 ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 94.27 ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 106.03 ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92.76 ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 102.73 ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 94.33 ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ମାନ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳର ତାଜା ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।